और आज के इस एपिसोड में आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी स्टॉक में हमने क्या देखा कि नियर अराउंड 3% के डाउन ट्रेंड दिखे। इस समय कुछ बड़े न्यूज तो इस स्टॉक में नहीं है, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो आते हुए दिखी है। तो क्या अनाउंसमेंट है, आगे के क्या ट्रेंड होंगे, क्या बेस्ट बाइंग या फिर एवरेज जोन होगी, उसको समझे, आगे के ट्रेंड को समझे। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें, और प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसके पिन मैसेज को चाहे तो फाइंड आउट करें। अगर आपने इंडिपेंडेंटली बाजार में ट्रेड करना है, अगर आप हमारे मार्केट के जो लर्निंग क्लासेस है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा मकसद ये है कि मैं आपके नजरिया को अगर बदल ना दिया तो आपके फीस वापस होंगे। तो इस समय थोड़ा तो स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा है, पिछले वन मंथ में स्टॉक ने 10% तक के डाउन ट्रेंड वाले रिटर्न दिए हैं, और इस डाउन ट्रेंड रिटर्न में मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। क्यों, उसको आगे डिस्कस करें, उससे पहले एक बार यहां इसके अनाउंसमेंट देखेंगे। अनाउंसमेंट क्या है, अर्निंग कॉल फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2023, और आगे देखेंगे यूनिवर्सल टाइम जो है क्या है, 5:30 शाम को 28 अक्टूबर को इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, और मुझे लगता है कि नंबर्स बेटर होंगे क्योंकि जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक अपने नंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इसका नंबर जो है बेटर आते दिख सकता है। जैसा कि हमने कहा कि कुछ न्यूज तो नहीं है, सभी पुराने न्यूज ऑलरेडी डिस्कस हैं, लेकिन एक नए अनाउंसमेंट 23 अक्टूबर के दिखे हैं। जो डिलीवरी है वो बेटर है, लेकिन ट्रेंड वीक है। पिछले वन मंथ के जो ट्रेंड देखेंगे, ये ट्रेंड आपको वीकनेस में दिख रही है, तो थोड़ा इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेंगे। जो डिलीवरी है वो 40% के ऊपर का है, यानी जो डिलीवरी है वो काफी बेटर डिलीवरी दिख रहा है, और एक बार इसके चार्ट को देख के समझेंगे कि आगे के क्या ट्रेंड। इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा था, यहाँ इसने काफी रिटेस्ट करे और इसके बाद वन साइडेड ट्रेंड रहा जो नियर अराउंड 30% के रहे। ये ट्रेंड सस्टेन नहीं करा, और इस समय ये देखेंगे तो इसको हम लोअर लो लोअर हाई बोलते हैं, जो काफी वीकनेस वाला ट्रेंड होता है, और इसने अपने 50 EMA जो 50 EMA होता है उसको भी ब्रेक डाउन करा, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा, तो मुझे लगता है कि 76 से 82 के बीच का एक अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी जोन है जहां आप बाइंग और एवरेज आउट कर सकते हैं। ऊपर के साइड 92 के ऊपर के क्लोजिंग पे ही जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो मोमेंटम कैप्चर करेंगे, इस जोन में इग्नोर करें, और क्वार्टरली रिजल्ट से पहले गिरावट हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सेलिंग है तो दिखे, और इस जोन का सियोरली वेट करें, इसमें इस समय बिल्कुल लॉन्ग करने से बचेंगे।